हे गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, आज मैं एक बहुत ही डिफरेंट वीडियो कर रही हूँ। मैं और अमन हम दोनों ट्रैवल करने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू अ वेरी कोल्ड प्लेस। ऐसी जगह पे जा रहा है जहाँ पे टेम्परेचर माइनस डिग्री में जाता है, तो उससे ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। एंड गाइज ऑल्सो, अगर कोई मेरे तरह हैवी पैकर है, हैवी पैकर मतलब कि आप सपोज 3 दिन के लिए जा रहे हो लेकिन आप कपड़े रखते हो 5 दिनों के, अगर आपको रिक्वायरमेंट 3 कपड़ों की है बट स्टिल यू फील कि नहीं ये भी रख लेते हैं ये भी रख लेते हैं, तो 3 की जगह आप 5 रखते हो, तो उनको भी ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। सो गाइज, विदाउट मच टॉकिंग, लेट्स डिग इनटू माय बैग। सो गाइज, दिस इज माय बैग एंड दिस बैग इज क्वाइट लार्ज, मतलब ये लार्ज वाला साइज है, तो बहुत ज्यादा स्पेस है इसमें। सो गाइज, फॉर माई कन्वीनियंस मैंने अपने सारे कपड़े, इनफैक्ट जो भी मुझे लेके जाना है वो मैंने सब कुछ इस के बेड पे रख लिया है, सो दैट कि मैं आपको इजीली भी दिखा सकूं, आपको भी प्रॉब्लम ना हो एंड मुझे भी प्रॉब्लम ना हो। एंड गाइज, आपको मैं ये भी बता देती हूँ कि हम लोग क्यों जा रहे हैं, बिकॉज दिस इज आवर फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी, तो हम अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह, खूबसूरत वादियों में है कश्मीर। सो गाइज, हम वहां पे रुकने वाले हैं फॉर 3 नाइट्स। सो गाइज, सबसे पहले मैं रखने वाली हूँ घर के कपड़े। रखा है अपना एक वुलन लोअर जो कि मेरे घर के पास ही लोकल मार्केट है, तो वहीं से मैंने लिया था, आई गेस 250 रुपीज में। तो सबसे पहले मैं ये रख लेती हूँ। कलर में बहुत ही प्यारा ये लोअर, दिस इज ऑल्सो वुलन, क्वाइट कम्फर्टेबल। एंड ये लोअर भी मैंने सेम मार्केट से लिया था, बट ये मैंने लास्ट ईयर लिया था, तो हम ये भी रख लेते हैं साथ में। एंड गाइज, मैं अपर सिर्फ एक ही रख रही हूँ, ये ब्लू कलर का वुलन टी शर्ट है जो कि 1.5-2 साल पहले जैक एंड जोन्स से लिया था। अभी इतना ज्यादा हम बाहर तो नहीं पहनते, काफी थोड़ा फेड भी हो चुका है, पुराना हो चुका है, तो मैं सोच रही हूँ इसको रख लेते हैं। थर्ड नाइट वेयर इज दिस कोका कोला कॉर्ड सेट जो कि मैंने अगेन लिया था अपने घर के पास वाली लोकल मार्केट से, तो ये मैंने शायद 1 महीने पहले लिया था। ये भी थोड़ा वार्म है तो मैं इसको रख लेती हूँ, तो हमारा 3 दिन का सॉर्टेड है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार तीसरा टी शर्ट तो रखा ही नहीं। सो गाइज, लेट मी टेल यू कि जो कश्मीर नगर में होटल्स वगैरह होते हैं ना, वो सारे सेंट्रली हीटेड होते हैं, तो वहां पे वार्म और मतलब अच्छा होता है यार, होटल भी अच्छा होता है। आई नो ठंड बहुत है बट रख लिया तो मिक्स मैच करके हो जाएगा। तो गाइज, थोड़ी और एसेंशियल चीजें रख लेते हैं फॉर विंटर्स। सो गाइज, अब माइनस डिग्री टेम्परेचर में आपको इनर तो चाहिए बिकॉज दिस इज वेरी एसेंशियल थिंग, बिकॉज जब से दिल्ली आए तब से तो मतलब मैं दिल्ली में नहीं पहनती, अमन भी नहीं पहनता सच, मतलब जब मैं कॉलेज में थी देहरादून में आई यूज टू वेयर इनर्स, लेकिन उसके बाद नहीं पहना, तो 6-7 साल हो चुके हैं हमें। बट भाई कश्मीर जाना है तो वहां के लिए तो बहुत एसेंशियल है। वी हैव रिसेंटली बॉट दीज इनर्स फ्रॉम जॉकी एंड ये बहुत अच्छा है, बहुत वार्म है, तो इसमें 2 कलर आपको मिल जाएंगे, 1 इज स्किन एंड 2nd 1 इज ब्लैक, तो ब्लैक इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सो वी थॉट कि एक अच्छा इंसुलेटर होगा। तो अभी मैं क्या करती हूँ कि सिर्फ लोअर यहाँ रख लेती हूँ। हमारे टोटल 4 बैग्स है, मतलब एक मेरा, एक अमन का, एक हमारा छोटा बैग है जिसमें हम लैपटॉप और थोड़ी और एसेंशियल चीज रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये इनर का जो लोअर है वो मैंने यहाँ रख लिया, लेकिन इनर का टी शर्ट मैं उसमें रखूंगी, अपने ग्लव्स और एक कैप उसमें रखूंगी, सो दैट अगर मैं हम लोग दिल्ली से जैसे ही श्रीनगर लैंड होंगे एंड अगर वहां पे बहुत ज्यादा ठंड हुई तो वी इमिडिएटली नीड ऑल दोज थिंग्स। अगर श्रीनगर में ठंड हुई तो हम फटाफट निकालें और पहन ले। ये मैं कुछ 3 पेयर ऑफ सॉक्स रख रही हूँ, ये भी मैंने लोकल मार्केट से लिया था, दीज आर क्वाइट वार्म, इफ यू कैन सी, ऐसे मिल जाएंगे आपको, मगर मॉल में तो बहुत महंगे मिलते हैं गैस, लेकिन हमें लोकल मार्केट में ऐसी बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं जो बहुत मतलब सही होती है, रीजनेबल होती है। एंड आई गेस 150 का इसमें 2 पेयर था, तो मतलब 3 लिया तो मतलब मुझे 6 टोटल सॉक्स मिले, सो दोज वर गुड डील फॉर अस। सो गाइज, मैं इतने सॉक्स रख रही हूँ, तो दीज आर टोटल 5 पेयर ऑफ सॉक्स, जैसे मैंने आपको बोला जाना है 3 दिन के लिए, बट मैं रखूंगी एक्स्ट्रा। एक पेयर मैंने कल सुबह मॉर्निंग के लिए रख लिया गाइज। उसके बाद आता है कैप, दीज आर ऑल्सो वेरी एसेंशियल थिंग, तो ये भी लिया है लोकल मार्केट से, माई फेवरेट कलर दीज डेज, ब्राउन बेज, मतलब ब्राउन न्यूड कलर मुझे बहुत पसंद है, ये भी मैं रख लेती हूँ बाहर। एंड एक कैप, ये मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा यार, मतलब बहुत प्यारा सा कलर है, तो ये भी रिसेंटली लिया डिकैथलॉन से, तो इसको मैं रख लेती हूँ अंदर। तो गाइज, उसके बाद मैं रख लूंगी अपना ये जो ईयर कवर करने वाला होता है, बहुत ही क्यूट है ये, अगेन मैंने लिया था लोकल मार्केट से, तो बड़ा प्यारा है। आई डोंट नो मैं कितना यूज कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, बट लेट्स सी, बिकॉज आई एम द पर्सन जिसे फोटो क्लिक कराना बहुत पसंद है, तो अगर आप भी मेरे तरह हो तो प्लीज डू लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन। तो आई थॉट कि यूज करूँ चाहे ना करूँ, बट फोटो क्लिक कराने के तो काम जरूर आएगा। दिस इज वेरी क्यूट एंड इसको पहन के आई गेस मैं भी बहुत क्यूट लग रही हूँ गाइस। साथ में मैंने लिया था एक पेयर ऑफ स्टॉकिंग जो कि समर स्टॉकिंग है, दीज आर नॉट विंटर स्टॉकिंग, बट रख लेती हूँ, यू नेवर नो कब क्या चीज काम आ जाए।
एंड गाइज हर कपड़ों पे किकी के बाल हैं, हर कपड़ों पे दिख रहे हैं मुझे उसके बाल। सो गाइज एक पार्टीशन में जितने कपड़े रखने थे वो मैंने रख लिए। एंड गाइज ऑल्सो देयर इज वन मेजर इशू कि जो हमारी फ्लाइट है उसमें से 15 केजीज अलाउड है, बिकॉज मोस्टली फ्लाइट में 15 केजीज ही ले जाना अलाउड होता है एक्सेप्ट फॉर एयर इंडिया। तो हम जा रहे हैं स्पाइस जेट से, तो इसमें 15 केजीज है। इनफैक्ट कल अमन ने चेक किया था तो उसका तो 7 केजीज हो रहा था। यू नो हाउ बॉयज पैक, उनका इतना होता भी नहीं है, बट कल जब मैंने चेक किया था थोड़ा बहुत सामान रखे तो फिर ऑलरेडी वो 12 केजीज हो चुका था। तो लेट्स सी, आई विश एंड प्रे कि 15 केजीज ना हो, अदरवाइज मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। मैं कुछ सामान अमन के बैग में डाल दूंगी और एक हमारा जो लैपटॉप वाला बैग है मैं उसमें भी डाल दूंगी इन केस ये 15 से ऊपर हुआ। तो गाइज अब रख लेते हैं स्ट्रेटनर, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे बाल बहुत ही बकवास हैं। तो ये तमीज कैसे लिए दिख रहे हैं, बिकॉज इसको मैंने स्ट्रेट किया, अगर स्ट्रेट ना करूं तो एक नंबर के बदतमीज है। साथ में मैं रखती हूँ हेयर प्रोटेक्शन मिस्ट। आई प्रेफर कि मैं स्ट्रेटनर और मिस्ट को साथ में ही रखूं, बिकॉज फिर ढूंढना नहीं पड़ता ना कि यार हीट प्रोटेक्शन कहाँ गया, तो एक साथ ये दोनों रख लेती हूँ। सो गाइज अब बात आती है मेकअप की। सो आई वॉज वेरी परप्लेक्स्ड, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या क्या पैक करूँ। टेम्परेचर फॉल हो रहे हैं -डिग्री तक, तो यार उसमें मेकअप करना तो आई डोंट नो, बट एनीवे मेरे जैसा हैवी पैकर हो तो पता नहीं क्या क्या पैक कर ले। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने मेकअप में बहुत ही चुनिंदा मैंने मेकअप को कॉम्पैक्ट करने की कोशिश की है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या लेके जा रही हूँ। सो गाइस सबसे पहले तो मेकअप ब्रश पाउच है, तो बेसिकली इसमें मैंने सारे सिर्फ आई मेकअप वाले रखे, फेस का मुझे नहीं लगता मैं कुछ करूंगी, बट मैंने सेफर साइड के लिए भी ब्यूटी ब्लेंडर रख लिया है। तो गाइस ये गया मेकअप ब्रश बैग में। गाइस दिस इज माय मेकअप का पिटारा, अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो आपको पता है कि कितना सामान लेके मैं बैठती हूँ, बट ये बहुत ही छोटा कॉम्पैक्ट करने की मैंने कोशिश की है। सो गाइस बस एक ही आई शेडो पैलेट रखा है, दिस इज वेरी न्यूट्रल पैलेट फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड, तो दिस इज रोजे इन द एयर, तो इसमें बहुत ही न्यूट्रल शेड्स है। एंड साथ में थोड़ा बहुत मतलब एक दो लिपस्टिक्स और जो भी रखा है ना आईज का ही सामान रखा है, बहुत ज्यादा नहीं रखा है। फाउंडेशन में नहीं रखने वाली थी बट मैंने फिर रख लिया मुझके कि कहीं मेरा मन हो गया तो, कहीं मेरे पास टाइम हुआ तो। उसके बाद ये नायका से ऑर्डर किया था तो ये बॉक्स के साथ आया है। तो इसमें फाउंडेशन रखा है मैंने, मैक का फिक्सर एंड प्राइम, दिस इज माई फेवरेट प्रोडक्ट फ्रॉम मैक। एंड उसके बाद वैसे तो हम लोग कोकोनट ऑयल लगाते हैं एज अ मॉइस्चराइजर, लेकिन अब वहां पे कोकोनट ऑयल लेके कैसे जाए ना। जो मॉइस्चराइजर मेरा फेवरेट है दैट इज वाइटामिन एनरिच्ड फेस बेस फ्रॉम बॉबी ब्राउन, तो इसका छोटा मेरे पास था जो कि मेरे हैंड बैग में रख दिया मैंने। एंड इसका मैंने थोड़ा सा बड़ा वाला ले लिया है, दिस इज 15 ml, मैंने रिसेंटली नायका से ऑर्डर किया इसलिए, बिकॉज अमन भी यही लगाता है तो जो मुझे लगाना है वही उस लड़के को लगाना है, तो सब कुछ भाई सब मेरे से शेयर कर लेते हैं। एनीवेज आई डोंट माइंड, यही सोच के मैंने ऑर्डर किया बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, और मेरे साथ साथ अमन भी शेयर करता है मेरे इस प्रोडक्ट को क्योंकि उसको भी बहुत अच्छा लगा। तो अगर आप किसी हाई एंड मॉइस्चराइजर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डू। तो गाइज एक साइड हमारा फाइनली हो चुका है, अब हम चलते हैं दूसरे साइड पे। तो गाइज मैं आपको एक बार बैक का नजारा दे देती हूँ, तो ये रही मेरी इस साइड की पैकिंग एंड अब चलते हैं हम इस साइड पैक करने। सो गाइज अब ये घर के कपड़े तो फिर भी इजी होते हैं रखना, बट बाहर का कपड़ा चूज करना बहुत मुश्किल होता है। सो गाइज मैंने सारा विंटर फैशन पहले पिंटरेस्ट पे देखा, वहां से थोड़े थोड़े आइडिया लिए कि मैं कैसे ड्रेसअप हो सकती हूँ, एंड थैंक्स टू पिंटरेस्ट जहां से मुझे बहुत सारे आइडियाज मिले। सो गाइज एक पेयर ऑफ ड्रेस तो मैं पहन के जा रही हूँ मॉर्निंग में, तो वो मैं व्लॉग में ही शेयर कर दूंगी, दैट व्हाट इज माय OOTD जो मैं एयरपोर्ट पे पहन के जाऊंगी। तो वो कपड़े मैं आपको नहीं दिखा रही, मैं वही दिखा रही हूँ कि क्या क्या मैं बैग में रख रही हूँ। सो गाइज सबसे पहले मैं रख रही हूँ आइन कलर स्वेटर, दिस इज हाई नेक एंड बहुत ही प्यारा है, अभी रिसेंटली मैंने लिया है एंड दिस इज फ्रॉम ओनली। एंड गाइज उसके बाद मेरे पास ये स्कर्ट है, दिस इज फ्रॉम फैब एले, मैंने अर्बैनिक से लेदर स्कर्ट ऑर्डर की थी, आई थॉट कि उसको स्टॉकिंग एंड ऑल के साथ पेयर कर लूंगी, बट वो अभी तक आई नहीं, वो थोड़ी सी डिले हो रही है, शायद 7th-8th तक आएगी, तो जब तक हम चले जाएंगे यहाँ से, तो मैंने अपनी स्कर्ट ही पहन के देख ली, रख ली, तो ये अच्छी है। मुझे फोटो सेशन कराने का बहुत शौक है, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं इसको पहन के श्रीनगर में टहलूंगी, ऐसा नहीं होने वाला है, बिकॉज आई नो वहाँ बहुत ठंड है, तो मैं इसको बस फोटो सेशन के लिए रख रही हूँ। एंड फोटो सेशन हो जाने के बाद मैं आ जाऊंगी भाई फुल कपड़ों में। ये रहे मेरे लेदर पैंट्स, तो दीज आर फ्रॉम ज़ारा, 1 महीने पहले लिया था मैंने, काफी अच्छे हैं, तो ये मैं स्वेटर के साथ इसको भी पेयर अप कर सकती हूँ। वेदर आई शुड कीप और नॉट I'm not sure because मैं ब्लैक जीन्स पहन के जा रही हूँ, बट आई नो लेदर पैंट्स की बात ही अलग होती है, आई डोंट नो यार रखू ना रखू। रख लेती हूँ।
एंड गाइज ऑन 5th वी आर गोइंग टू गुलमर्ग. बहुत ही सुंदर जगह है एंड वहाँ पे बहुत सारी स्नो एक्टिविटीज होती है. एक्चुअली हमने गूगल भी किया एंड वहाँ के जो टूरिस्ट गाइड है हमने उनसे भी पूछा था, तो दे ऑल्सो टोल्ड कि वहाँ पे स्नोफॉल है. मतलब आप गूगल में करोगे तो 5th दिसंबर को दिखा रहा है कि स्नो है. तो स्नो के लिए भी कपड़ा इम्पोर्टेंट था, तो मी एंड एमन वी बोथ वेंट टू डिकैथलॉन टू प्रूफ फॉर लोअर. अंदर से वॉर्म भी है एंड दिस इज वाटर प्रूफ ऑल्सो. तो वहाँ पे दो तीन क्वालिटीज की थी, आप ले सकते हैं. मतलब ये तो अंदर से वॉर्म है लेकिन नॉर्मल वाला भी मिलता है विच इज वाटर प्रूफ. तो स्नो में स्नो इज बेसिकली वाटर, तो आपको वाटर प्रूफ कपड़े चाहिए. गाइज दिस इज माई जैकेट. अब आप सोच रहे होंगे ये कैसा जैकेट है, ये मैंने बैग में रख दिया. तो नहीं, ये जैकेट में ही रैप कर दिया अमन ने. तो उनके स्टाफ ने हमें बताया था कैसे कैसे रैप करना है. दिस इज इंसुलेटेड जैकेट, बहुत अच्छा है. एक अमन ने लिया, एक मैंने लिया. ये भी साथ में ही रखती हूँ मैं इसके, बिकॉज इज ऑल्सो वाटर प्रूफ. सो गाइज थर्ड डे के लिए मैं रख रही हूँ ये एक अपनी टर्टल नेक ड्रेस. दिस इज फ्रॉम बेवकूफ. एंड गाइज ठंड अपनी जगह पे, लेकिन फैशन अपने जगह पे. ठंड चाहे जितनी भी हो लेकिन फैशन में कमी नहीं होनी चाहिए. आई होप मेनी गर्ल्स कैन रिलेट. तो गाइज बस फैशन और ट्रेंड को देखते हुए मैंने रख लिया एक अपनी ब्लैक ड्रेस. इसके अंदर इनर विनर से लेयर तो करनी ही पड़ेगी. एंड गाइज मैं ये रख रही हूँ लॉन्ग जैकेट, लॉन्ग कोट. ये गाइज मैंने लिया है लोकल मार्केट से मात्र 300 रुपए में. एंड इनफैक्ट यू वोंट बिलीव, मैंने ज़ारा से ऑर्डर भी कर दिया था. और इनफैक्ट वो आ भी गया था, आज ही आया था, बट उसको कैंसिल करना पड़ा बिकॉज मैंने ऑलरेडी ले लिया और वो था 3000 का एंड ये है सिर्फ 300 रुपए का. सो गाइज ये मेरा स्टाइल भी नहीं है, मैं तब पहनती भी नहीं हूँ, मैंने आज तक इतना लॉन्ग कोट पहना नहीं है. सो दिस इज माई फर्स्ट टाइम. तो लेट्स सी, अगर मैं इस साल अच्छे से कैरी वगैरह कर लेती हूँ तो मैं फ्यूचर में सोचूंगी अच्छा लेने का. तो दिस इज ऑल्सो गुड. अभी मैं आपको खोल के नहीं दिखा रही बिकॉज ये आयरन होके आया है, तो बस मैं इसको रख लेती हूँ अब. सो गाइज मैं एक और ड्रेस रख रही हूँ फॉर एनिवर्सरी नाइट. एंड गाइज मैं एक और छोटू सा क्यूट सा बड़ा वार्म स्वेटर है, ये मैंने लास्ट ईयर लिया था. दिस इज फ्रॉम ज़ारा. तो मैं इसको भी रख लेती हूँ बिकॉज बहुत ज्यादा ठंडे तो रखना ही पड़ेगा यार, क्या करें. एंड गाइज ये एक ब्लैक टी शर्ट है, दिस इज फ्रॉम द ब्रांड सेसाफ्रास. और ये मिंत्रा से लिया था मैंने, पहले का है, अभी का नहीं लिया मैंने, हो गया होंगे इसे भी एक साल के आसपास. एंड गाइज अब हैवी पैकर्स लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा तो रखते हैं. सो गाइज दिस इज माई पिंक लॉन्ग जैकेट. सो गाइज ये पिंक वाला काफी वार्म है एंड दिस इज फ्रॉम ओनली. तो इसे मैं इसलिए रख रही हूँ बिकॉज ये जो अभी ब्राउन वाला लिया है ना, तो आई डोंट नो अब ये कितना वहां पे चल पाएगा नहीं चल पाएगा, बट ये पिंक वाला तो काफी वार्म है. तो इनकेस फोटोज वगैरह मैं ले लूंगी इससे, इनकेस अगर ये वार्म नहीं उतना कर पाएगा तो मैं ये पिंक वाला भी पहन सकती हूँ. एंड गाइज मैं आपको थोड़ी और एक्स्ट्रा चीजें दिखा देती हूँ जो इस बैग में अभी भी आ सकती है, बट आई एम नॉट कीपिंग इट, क्योंकि वो जो हमारा कॉमन बैग है लैपटॉप वाला उसमें हम रखेंगे. तो ये रहा मेरा मेकअप रिमूवर और ये रहा कॉटन पैड्स और ये रहा नायका का बॉडी बटर इन द वेरिएंट कंट्री रोज. दिस इज क्वाइट गुड, रोज वाली खुशबू आ रही है. सो गाइज माई बैग इज कम्प्लीटली पैक्ड. Great success. So guys, that's it for today's video. And guys, मुझे ये वीडियो करके बहुत मजा आया. And अगर आपको भी वीडियो देख के मजा आया तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी प्लीज डू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब. शेयर जरूर कर देना जो जो कश्मीर जा रहा है या विंटर वाली जगह जा रहा है या स्नो वाली जगह जा रहा है. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. एंड गाइज मैं ना थोड़ी बहुत ज्वेलरी भी रख रही हूँ. ये रहे हमारे तीन बैग्स, चौथा बैग ये रहा. Shoes, so everything is packed.